Very good afternoon to everyone. पहले सेशन में आपने देखा कि धर्म अर्थ सुख और राज्य इंटरलिंक्ड है. अगर हम भारत का इतिहास देखें तो 200 साल के गुलामी में अंग्रेजों ने हमसे काफ़ी पैसा लूट लिया, बट इंडिपेंडेंस के समय हम फिर भी एशिया की एक महासत्ता थे. एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में थी. जब जापान मोटर कार नहीं बनाता था तब हम वेस्ट बंगाल उत्तरापाड़ा में गाड़ी बनाते थे. चाइना से ज़्यादा रेलवे लाइन अंग्रेजों भारत में छोड़ के गए थे. दुनिया में भारत का मार्केट शेयर ट्रेड में जीडीपी में 1.5% के आसपास था. हम जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना ये सबसे आगे थे. फास्ट फॉरवर्ड, आज जापान डेवलप्ड हो गया, हम डेवलपिंग रह गए. साउथ कोरिया हमसे 15-20 गुना पर कैपिटा जीडीपी में आगे है. 1980 में हम और चाइना एक जैसे थे, आज वो हमसे 5 गुना बड़ा है. बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद कराया उसकी पर कैपिटा जीडीपी अगले साल हमसे ज़्यादा होने वाली है. और श्रीलंका जो एक वॉर टोन कंट्री है और आज उसके पास उतना एफएक्स रिजर्व्स भी नहीं है कि अपनी इंपोर्ट के लिए बिल पे कर सके, फिर भी हमसे डबल पर कैपिटा जीडीपी रखता है. सो 1947 से लेकर 2021 तक की अगर बात करें तो हमने काफ़ी चीज़ें अचीव की है, बट बाकी लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा अचीव किया है. हर किसी ने हमें पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे ताइवान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो. हमने कुछ तो ऐसी गलतियाँ की होगी जिसकी वजह से सारे देश हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. इनफैक्ट पाकिस्तान भी 1980 तक भारत से आगे बढ़ रहा था. हमें जनरल जियाउल हक का थैंक यू कहना चाहिए कि अगर वो नहीं होता तो पाकिस्तान भी आज हमसे ऊपर होता. सो ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने भारत को हमेशा पीछे रखा? टॉपिक है इक्वालिटी एंड इफिशिएंसी. अगर एक ही लाइन में कहे तो 1947 से लेकर 2021 तक हमारी कोशिश यही रही है कि हम केक को इक्वली काटें, अमीरों को गरीब बना के सबको एक जैसा गरीब रखें. इफिशिएंसी ये क्या चीज है वो हमें मालूम ही नहीं है. आई डोंट नो बेलगाम को उडीपी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि नहीं, बट उडीपी रेस्टोरेंट्स अगर आपको भारत में चालू करना है तो तकरीबन 55 से ज़्यादा अप्रूवल्स लानी पड़ेगी. एंड वो अप्रूवल्स ऐसी है कि आप कभी उसे ला ही नहीं पाएंगे. ऑब्वियसली फिर इफिशिएंसी की हम क्या बात करें. अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे हमें विश्वास है कि आने वाला भविष्य अच्छा होगा और हम बांग्लादेश श्रीलंका के साथ कैचअप कर लेंगे. चाइना तो बड़ी दूर की बात है. सबसे पहला जो चेंज हो रहा है, आप में से कितने लोगों ने मदर इंडिया, रोटी कपड़ा मकान, कालीचरण मूवी के नाम सुने देखे हैं? चलो कुछ तो हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पे. उसमें विलन कौन था सर? एक ब्लैक मार्केटियर होता था. अभी लेटेस्ट मूवी में ब्लैक मार्केटियर कौन सी मूवी में विलन था? अब टेररिस्ट विलन होता है, पॉलिटिशियन विलन होता है, बट ब्लैक मार्केटियर विलन छूट गया. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पहले भारत वॉज हाई इन्फ्लेशन, महंगाई वाला देश. आज बिकॉज हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2014 से मैंडेट दिया है कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट करिए,
और उस वजह से इन्फ्लेशन आज 4 से 6% की रेंज में है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत में महंगाई आज बहुत ज़्यादा है, कहते हैं ना। आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में भारत की महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई से नीचे है। अमेरिका से कम महंगाई लाने के बाद हमें लगता है कि महंगाई का दर ऊपर है, उतनी हमारी एक्सपेक्टेशंस नीचे हो गई है महंगाई के लिए। जब इकोनॉमी एक महंगाई हाई इन्फ्लेशन से मॉडरेट इन्फ्लेशन की तरफ जाती है तो उसकी नींव मजबूत होती है। 1991 से पहले आप में से कितने लोग फॉरेन गए थे? सचिन भाई आप तो गए होंगे, हवाले में पैसा लेते थे, मतलब मैं उनके कंफर्म नहीं कराऊंगा बट लेते थे, सबको मालूम था। 1991 में हमने अपना सोना प्लेज किया था ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज लोन मिल सके, सिर्फ 14 दिन का रिजर्व्स था हमारे पास। आज हमारे पास $640 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व्स है, दुनिया में 4th largest रिजर्व्स है, और उस पैसों का हम क्या करें वो हमें मालूम नहीं है। ये लो एफएक्स रिजर्व से हाई एफएक्स रिजर्व की तरफ जो जर्नी हुई, क्या भारत की नींव मजबूत बनेगी? जब सेकेंड वेव कोरोना का आया तो हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट, मेडिसिन सब इम्पोर्ट कर सके, जेब में पैसा था तो कर पाए। अगर 1970-80 के दशक में होते तो क्या हम इम्पोर्ट कर पाते थे? बिल्कुल नहीं। पहले हम 100 रुपया कमाते थे, 110 रुपया खर्चा करते थे और उम्मीद करते थे कि मेरा बेटा या बेटी वो 10 रुपया पे करेगा। हम अपने बच्चों का भविष्य काट के अपना वर्तमान चलाते थे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों पे वो कर्जा छोड़ के जाए, बट एज अ देश, एज इंडिया, वी वर डूइंग दैट। आज भी हम 100 रुपया कमाते हैं और 106 रुपया खर्चा करते हैं। आज भी मैं अपनी दोनों बेटियों के ऊपर कर्जा लाद के ही जा रहा हूँ, बट 10 के सामने 6 है तो कम से कम थोड़ा तो अच्छा है। ये जो इंडिया की ट्रांजिशन हो रही है हाई फिस्कल डेफिसिट से मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट, वो काबिले तारीफ है। चाइना हमसे 5 गुना बड़ा है बिकॉज उनका कर्जा भी हमसे 3.5 से 5 गुना बड़ा है। ऑफिशियली 3.5 है, अनऑफिशियली 5 गुना है। तो फुग्गे में आप जितनी हवा डालेंगे उतनी उसकी साइज बड़ी होगी, बट हवा डालते ही रहे तो कभी ना कभी फुग्गा फट जाएगा। सो हाई इन्फ्लेशन टू लो इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, लो एफएक्स रिजर्व्स टू हाई एफएक्स रिजर्व्स, एंड हाई फिस्कल डेफिसिट टू मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीजें भविष्य की नींव रख रहे हैं। पहले भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट थी। बंबई से पुणे अगर मुझे जाना हो तो वो ओवरनाइट जर्नी थी, एंड जब भी घाट में जाते थे तो भगवान को याद करते थे कि घाट निकाल दे, 125 रुपये का सुकन कराऊंगा या पूजा कराऊंगा। आज अगर मैं बंबई का ट्रैफिक बाहर निकल दूं तो 1.5 घंटे में पुणे पहुंच जाऊंगा, एंड मेरी वाइफ ड्राइव करती है तो मैं भगवान की पूजा तो आज भी करता हूं बिकॉज वो गाड़ी उड़ाती है, चलाती नहीं है। बंबई से अगर मुझे बेलगावी आना है तो अब रोड बहुत अच्छे हैं, हालांकि गोवा से बेलगावी का रोड थोड़ा ठीक करना बाकी है, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी बन रही है। आज हम दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जितने हाईवेज बने थे 1947 से 2000 तक, उससे ज़्यादा हाईवे हमने 2000 से 2020 में बनाए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में था पिछले 1 वीक के लिए, पहाड़ों में भी इतनी अच्छी रोड है कि जो चीज़ पहले 5-5, 6-6 घंटा लेती थी आज 2-3 घंटों में पहुंच जाते हैं। टेलीफोन नेटवर्क कनेक्शन हर जगह पे अवेलेबल है।
सो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, ये एक बड़ी चेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस नहीं हुए विदेश की तरह, बट खैर वो भी एक दिन हो जाएगा। पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फिजिकल था, अब फिजिकल एंड डिजिटल दोनों है। एक कॉलोनियल रिपोर्टर थे, उन्हें भारत में रखा था कॉलोनियल मैगजीन ने, तो जी भर के गाली देते थे। 3 साल यहाँ पर रहे, कुछ भी अच्छा नहीं दिखा, और जी भर के गाली दी तो उनको प्रमोशन मिला, फ्रांस पहुँच गए। फ्रांस में जाके उनका पहला ट्वीट क्या था, इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, इट हैपेंस इंस्टेंटली इन इंडिया थैंक्स टू IMPS, द डैम थिंग टेक 3 डेज इन फ्रांस। जिस बंदे को 3 साल भारत में रहने के बाद एक चीज अच्छी नहीं दिखी, उसको जैसा फ्रांस भेजा अच्छा या दिखने लगी। आप में से कितने के रिलेटिव NRIs हैं? एंड वो जब पहले आते थे तो वो बोलते होंगे, हमारे इंग्लैंड में तो ऐसा होता है, हमारे अमेरिका में तो ऐसा होता है, तुम्हारे इंडिया में ऐसा। गुजरातीज में बहुत सारे रिलेटिव्स बाहर होते हैं, तो मैं जब छोटा था तब से ये सुनता रहता था और दिल में बहुत लगता था। अब मेरे को मौका मिल गया सूद समेत चुकाने का। जब वो आए इस महीने या पिछले साल, मैं उनको कहता था, आपके अमेरिका में तो वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है, हमारे यहाँ पे तो डिजिटली मिलता है। जो 20-25 सालों की कसर थी सब पूरी हो गई। ये जो फिजिकल टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भारत को बदल रहा है। हमें मालूम है हमारे पास उतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं जितनी ज़रूरत है, पर टेक्नोलॉजी के जरिए आज मैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स को इंडिया के सारे स्टूडेंट तक पहुंचा सकता हूं। हाँ, एक दो किस्से ऐसे होंगे जहां पे बच्चा बेचारा झाड़ के ऊपर चढ़ा है नेटवर्क की खोज में, बट एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है, और फिजिकल से फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भारत की नींव मजबूत कर रहे हैं। एक और बड़ा चेंज हो रहा है भारत में, पहले कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता था, शॉर्टकट लेना बहुत ज़रूरी था, चाहे फिर वो माइंस का ऑक्शन हो, स्पेक्ट्रम हो, अप्रूवल्स हो। अब काफ़ी हद तक, नॉट 100%, बट काफ़ी हद तक मेरिटोक्रेसी आ गई है। कोर्ट्स बैठी है, वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, इमीडिएटली ऑक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना ज़रूरी है। ये जो नॉन ट्रांसपेरेंसी से मेरिटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, उससे भी नींव अच्छी बनेगी। दो महत्वपूर्ण चीज भारत में हो रही है, और जिसके ऊपर हमें लगता है कि आगे का भविष्य सुनहरा हो सकता है। एक, पहले सरकार हर चीज में हाथ डालती थी, अब सरकार खुद कह रही है गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एक समय था एयर इंडिया टाटा एयरलाइन थी, और एक किस्सा है ज्यूरिख के एयरपोर्ट पे, बम्बई ज्यूरिख की टाटा एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड हो रही थी, और उन दिनों रिस्ट वॉच एंड मोबाइल फोन्स उतने थे नहीं। एक स्विस बंदे ने दूसरे से पूछा समय कितना है, उसने आसमान को देखा, बोला 12 बजे। बोलता है आसमान को देख के तू 12 बजे कैसे बोल सकता है? बोलता है नहीं, टाटा एयरलाइन की ज्यूरिख बॉम्बे फ्लाइट, बॉम्बे ज्यूरिख फ्लाइट लैंड हो रही है तो 12 बजा होगा। ये पंक्चुअलिटी थी टाटा एयरलाइंस की। फिर सरकार को लगा कि हम एयरलाइंस चलाएंगे। आज एयर इंडिया में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर प्लेन आर मोर देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर प्लेन। एंड आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको चॉइस है इंडिगो की, गो की,
जेट स्पाइस जेट की, तो आप क्या एयर इंडिया में ट्रैवल करना पसंद करेंगे? हिंदुस्तान जिंक करके कंपनी थी, 2003 में 1,00,000 टन जिंक बनाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी जिंक माइन रामपुर अगुचा उनके पास थी। फिर सरकार ने उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। आज 2003 से 2021 उसमें उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है 1.8 मिलियन टन, 18 गुना जंप हुआ है। 2003 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, आज सरकार को सालाना 10,000 करोड़ रुपए देती है। अगर एयर इंडिया टाटा एयरलाइन ही रहती तो क्या वो सिंगापुर एयरलाइन जैसी या एतिहाद जैसी या एमिरेट जैसी बड़ी एयरलाइन बन सकती थी? और अगर वो बन जाती उस तरह बड़ी, तो उसके पीछे पीछे भारत का टूरिज्म सेक्टर चल जाता, ट्रैवल सेक्टर चल जाता। आज की तारीख में सिंगापुर जैसा एक छोटा सा देश हमसे ज़्यादा टूरिस्ट को रिसीव करता है, और उसमें से कई तो भारतीय लोग ही हैं। ये एक एयर इंडिया टू टाटा एयरलाइन की जर्नी वापस टूरिस्ट ट्रैवल सेक्टर को पुश कर सकता है, ग्रोथ खड़ा कर सकता है। सो ये जो सरकारी माइंडसेट बदल रहा है कि हम सारी कंपनी चलाएंगे, हम रेफरी भी रहेंगे, हम प्लेयर भी रहेंगे, उसकी जगह पे अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल जाए, तो हिंदुस्तान जिंक की तरह ये सारी कंपनियाँ इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेगी। और जो सबसे बड़ा चेंज है वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल का है। आप में से कई लोग हैं जिनमें प्रतिभा थी, क्षमता थी, बट पिताजी ने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए आप धंधा नहीं कर पाए। मैं खुद गुजराती हूँ, हमारी फैमिली में तो मुझे ब्लैक शिप कहते हैं कि नौकरी करके जीवन चला रहा है, धंधा नहीं कर रहा। बट मेरे पिताजी ने मेरे लिए उतने पैसे नहीं रखे थे, तो मैं धंधा नहीं कर पाया, मुझे नौकरी करनी पड़ी। लेकिन आज मेरी बेटी को मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास आइडिया है तो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी उसको देने के लिए तैयार है। ये जो चेंज हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें सोचिए कि कितने नए अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, शिव नादर बनेंगे। आज की तारीख में चाइना से ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत में है। पिछले साल हमने चाइना से ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत में खड़े किए। एक बंदा जिसके पास आइडिया है वो बाइजू खड़ा कर सकता है, फ्लिपकार्ट खड़ा कर सकता है, स्नैपडील खड़ा कर सकता है, और कितनी सारी चीज़ें खड़ी कर सकता है। सो ये जो भारत बदल रहा है, हाई इन्फ्लेशन से मॉडरेट इन्फ्लेशन, लो एफएक्स रिजर्व से हाई एफएक्स रिजर्व्स, हाई फिस्कल डेफिसिट से मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ ओनिंग बिजनेस गोइंग फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, शिफ्ट फ्रॉम क्रॉनिक कैपिटलिज्म, नॉन ट्रांसपेरेंसी टू मेरिटोक्रेसी, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर द आइडिया। आपको नहीं लगता कि इससे भारत का भविष्य और अच्छा होगा और 5 ट्रिलियन का हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी खड़ी कर लेंगे? बट क्या हमने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली जो हमें 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तेजी से ले जा सके, जिससे हम इक्वालिटी कर सके लोगों में, इफिशेंसी ला सके? 2-3 चीज़ें अभी भी हमें करनी बाकी हैं। निवेश वहाँ पे होता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो। पहले सेशन में हमने धर्म की बात की, एथिक्स की बात की, बट कमर्शियल बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए। हमारे वहाँ पे लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं, बट रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक लॉ बना था कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो अंडर सेक्शन 138(1) ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आफ्टर 1, 2, 3, 4 आप जेल में जाएंगे। आज भारत की कोर्ट में 40,00,000 केस है जहाँ पे चेक बाउंसिंग के केस चल रहे हैं। 40,00,000 एक्सक्यूज मिल गई चेक बाउंस पे जेल नहीं जाने की,
बट एक रीज़न नहीं मिला कि वो जेल जा सके। जब इस तरह से आपका कानून बनेगा तो लोग निवेश कैसे करेंगे? सो हमें रूल ऑफ लॉ लाना है। दूसरी, रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस लाना है। जब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है, हमारी छाती चौड़ी होती है, बट जब अंबानी अडानी यहाँ पे धंधा करते हैं तो हम उन्हें गाली देते हैं। ये जो दोगलापन है भारतीयों का, वो बहुत भारी पड़ेगा। बिजनेसमैन है जो ग्रोथ करते हैं, उन्हें अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो बिजनेस क्यों करेगा? महाभारत में आपने अभिमन्यु का किस्सा सुना होगा। वो अपनी मर्जी से चक्रव्यूह में गया और कौरवों के साथ लड़ रहा था, और जब तक लड़ रहा था तब तक उसे विश्वास था कि मेरे चाचा कजिन्स मुझे बचाने के लिए, मदद करने के लिए आएंगे, और फिर भी वो हार गया। हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो अभिमन्यु है, मॉडर्न डे अभिमन्यु, कलयुग का अभिमन्यु। वो चक्रव्यूह में पैदा ही होता है, मर्जी से नहीं जाता, जैसे धंधा चालू करना सोचा चक्रव्यूह में ही पैदा होता है। और कौरव से तो लड़ता ही है, चाइना से डंपिंग है, मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, लेबर प्रॉब्लम्स है, डिमांड सप्लाई इश्यूज है, बट पांडवों से भी लड़ता रहता है। उसको आगे और पीछे दोनों बाजू से लड़ाई लड़नी पड़ती है। कभी GST इंस्पेक्टर आ जाता है, लाइसेंस वाला आ जाता है, कभी और कुछ। महाभारत में भी अभिमन्यु कौरव के साथ अकेला नहीं जीत पाया था। ये कलयुग में अपना अभिमन्यु कौरव और पांडव दोनों के साथ कैसे जीतेगा? जब तक हम बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, तब तक वो लोग भारत में निवेश करने की जगह पे बाहर निवेश करते रहेंगे। पिछले 5 या 6 सालों में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ के दुबई या वैसी जगह पे नागरिकता ली है। ना कुछ तो नीरव मोदी एंड उनके टाइप हो गए, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या सारे के सारे 7 लाख लोग नीरव मोदी टाइप से? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी सिंगापुर दुबई में खोली, बिकॉज वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे बिजनेस के लिए रिस्पेक्ट है। वो यहाँ पे यूनिकॉर्न खड़ा करता है, बट उसका बेनिफिट बाहर मिलता है। ये जो एक रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस होनी चाहिए, जब तक वो इनबिल्ट नहीं होगी तब तक ग्रोथ लाना मुश्किल है। 5 ट्रिलियन भी होगा, 10 ट्रिलियन भी होगा, बट वो उतनी तेज़ी से नहीं होगा जितनी तेज़ी से हमें चाहिए, ताकि हम उस पाई को बड़ी करके हर किसी को दे सकें। फाइनली एक चीज़, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरे पे ब्लेम डाल दें, बट अपने पे भी ब्लेम लेना ज़रूरी है। एज ए कंज्यूमर, आप क्या मेड इन चाइना प्रोडक्ट लेते हैं? कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, बट सत्य तो सबको मालूम है। आज हमारी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ तकरीबन 50 से 70 बिलियन डॉलर हो रही है। ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें इंपोर्ट करनी है, हमारे पास चॉइस नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है वोकल फॉर लोकल। ये बोलने या समझाने की बात थोड़ी है, ये तो आप में खुद में आना चाहिए। यही चीज़ है जो हमें पीछे छोड़ रही है। अगर हम 50-70 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ रखें, तो ऑब्वियसली जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। एंड कुछ बल्क ट्रक्स है जो हमें इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, हमारे पास चॉइस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। बट जब दिवाली या क्रिसमस की लाइटिंग भी चाइना से इम्पोर्ट होती है, तब तो थोड़ा दर्द होता ही है। एक और चीज़ है जो आप सभी लोगों को समझनी चाहिए। सपोज एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी शरीर से ब्लड लॉस हो रही है। अब आप डॉक्टर हैं तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे या उसका ब्लड लॉस रोकेंगे? ब्लड लॉस रोकेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ये जो सिंपल सी चीज़ आपको 2 मिनट में समझ में आ गई, वही चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
2000 से लेके 2020 तक सिर्फ 20 सालों में भारत ने ऑफिशियली $376 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया है, $376 बिलियन। अब इसमें आप गोल्ड स्मगलिंग ऐड कर दीजिए, गोल्ड स्मगलिंग होती है, कोरोना की वजह से थोड़ी कम हुई होगी बट होती है, वो तो हकीकत है। इसमें आप ग्रीन चैनल में से आते हुए गल्फ रिटर्नीज की ज्वेलरी को ऐड कर दीजिए, तो पॉसिबल है कि पिछले 20 सालों में हमने $500 बिलियन सोने की आयात में लगा दिया। और वो पैसा गया कहाँ? बाहर गया, बिकॉज भारत में तो 1 ग्राम सोना बनता नहीं है। हम एक ऐसा पेशेंट है जो $500 बिलियन पिछले 20 सालों में बाहर फेंक चुका है, और फिर कटोरा लेके हम घूमते हैं FDI लाने के लिए, FPI लाने के लिए। और FDI कितना आया? $300 बिलियन, सोने की आयात से कम। FPI कितना आया? वो भी $300 बिलियन के आसपास। अगर वही $500 बिलियन भारत में रहता तो आज कितनी अस्पताल खुलती, कितने स्कूल कॉलेजेस खुलते, कितने रोड बनते, कितनी एंटरप्रेन्योरशिप को कैपिटल मिलता, कितने नए अंबानी अडानी खड़े होते। एंड हमारे पास कितना सोना है किसी को मालूम ही नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पिछले 20 सालों से बोल रही है कि हमारे पास 25,000 टन सोना है, वो नंबर आज तक बढ़ा नहीं है 20 सालों में। एंड पद्मनाभा स्वामी टेम्पल अगर खोले तो शायद अपना रिजर्व्स और बढ़ जाए। एक फिनेंशियल सेविंग्स के प्रति सुरक्षा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। आज भी हम लोगों को पैसा रियल एस्टेट में लगे, सोने में लगे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, आई एम श्योर अपने फैमिली मेंबर से छुप छुप के आप ज्वेलर के पास वीशी चलाती है, लोग हंस रहे हैं तो पक्का है यहाँ पे भी वैसा ही हाल है। वो जो रोड साइड ज्वेलर है उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, बट एक म्यूचुअल फंड जिसने 15-20% रिटर्न दिया है पिछले 15-20 सालों में, उसमें पैसा नहीं आता। आज तक एक भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो पैसा डुबो के भाग गया, और कितने सारे ज्वेलर में गिना सकता हूँ जो पैसा लेके भाग गए। बम्बई में ही एक गुडविन ज्वेलर्स करके था, 400 करोड़ रुपए में लोगों को चूना पकड़ा के चला गया। एंड अगर वो पैसे के सामने आपको गोल्ड ज्वेलरी दे भी दे तो उसमें भी चूना ही लगाता है, कितना 22 कैरेट गोल्ड है, कितना 20 कैरेट गोल्ड है, कितना मार्किंग चार्जेस है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अपने ज्वेलर से जो दागिना लिया है एक बार उसको वापस बेच के दिखाइए ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो जब तक हम अपने बिजनेसमैन को पैसा नहीं देंगे, अपनी सेविंग्स उनके लिए नहीं लगाएंगे, तब तक $5 ट्रिलियन थोड़ा पीछे होगा, जल्दी नहीं होगा। सो अगर ये तीन चीज़ हम करते, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री, इधर इन फाइनेंशियल एलोकेशन और वोकल फॉर लोकल, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी हो, और उसके बाद $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाए। 2014 में भारत 10th largest इकोनॉमी थी दुनिया में, आज ऑलरेडी हम 6th largest हो चुके हैं, और आने वाले 2 साल में हम 3rd largest हो जाएंगे US और चाइना के पीछे। हम लोग मोबाइल में 12वीं इकोनॉमी थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, टुडे वी आर द 2nd largest मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, वी आर ऑलरेडी ओवरटेकिंग कोरिया, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। इन ऑटोमोबाइल मार्केट वी वर 7th largest, नाउ वी आर 4th largest, नेक्स्ट ईयर विल बिकम 3rd largest बिहाइंड अगेन चाइना एंड US। सो ये जो हमने नींव डाली है उसके रिजल्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, और इसी नींव को अगर आगे लेके जाए तो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन ये इकोनॉमी हमारी आंखों के सामने बनेगी।
एंड देन वी विल बी एबल टू टेल आर किड्स कि देखो हमने भारत का स्वर्णिम काल लेके आए, हम तुम्हारे लिए कर्जा छोड़ के नहीं जा रहे, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी इकोनॉमी छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे यू विल बी एबल टू क्रिएट बेटर बिजनेस, बेटर ग्रोथ, बेटर वेल्थ क्रिएशन। हम पाई को इतनी बड़ी कर देंगे कि अपने आप इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी दोनों आ जाएंगे। दैट इज व्हाट आई बिलीव इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। लॉट ऑफ गुड वर्क हैज बीन डन, कुछ करना बाकी है, बट आई एम श्योर अगर हम सब मिलके साथ करें तो वो भी अचीव हो जाएगा। फाइनली मतलब एक और किस्सा कहना चाहूँगा। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे किसी ने पूछा कि क्या मोदी जी का $5 trillion का सपना 2024-25 तक अचीव होगा। मैंने सिर्फ उनको उतना कहा कि देखो भैया, मोदी जी का अगर वो सपना नहीं भी होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ना बीवी है ना बच्चे हैं, हमारे और आपके बीवी बच्चे हैं, तो ये उनके सपने की जगह पे हमारा सपना बनेगा तो 5 trillion बन जाएगा। थैंक यू। यू स्ट्रेस मोर ऑन बिजनेसमैन दैट एवरीबॉडी ऑफ शुड स्टैंड बाय बिजनेसमैन एंड देयर दैट सम ऑफ गोइंग टू प्रोटेक्ट आउट एंड इज गोइंग टू बिल्ड बेटर बैक। दैट्स गुड सर। बट कमिंग टू दिस द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द फार्मर्स, बिकॉज़ फार्मर्स आर द मेजर क्रंच ऑफ आवर सोसाइटी एस्पेशली इंडिया। More than 60% of us are dependent on agriculture. And rightly, government brought those agriculture bills, which in my view, although I'm not good at economics, all in all, they were good except for some leakages like non-legal status for MSP. I want you to throw some light on it. And as well, how come suddenly government takes it back? What it went so wrong in them? If we were treating farmer as businessmen, what would we do? Suppose you are a doctor. Now, will you go to the government and say that for every patient, government should provide 1,000 rupee consultation fees to you? No. You wouldn't ask that from the government. Then why are farmers asking MSP from the government that they should buy this at this price? And is it benefiting them? If MSP was benefiting farmers, then India's farmers should have become rich by now. What has actually benefited farmer? The thing which has benefited farmer is Amul. We were from Mahabharat days when Ashwasthama was given flour and water as milk. Till 1950s or 60s, deficient in milk. Then there was a visionary person called Tribhuvandas Patil, and he got an executioner called Varghese Kurian. They brought illiterate farmers together. They provided them techniques, they provided them a platform, and today Amul is the largest FMCG company in India. It is owned 100% by millions of farmers. And it has actually uplifted rural income. It has made India self-sufficient, in fact, the largest producer of milk in the world. Now we are exporting milk and milk products and milk powders to the outside world. So Amul is the classical example of how farmers can be benefited by respecting them and treating them as a businessman. Now we have to carry forward that model, then farmers will become like businessmen. नमस्कार, मेरा नाम किशोर काकड़े है और नीलेश जी ने आपने बहुत ठीक कहा कि हम भारतीयों को सोने का बहुत आकर्षण है। सोना मतलब गोल्ड। मंदिरों में भी सोना है और हमारे घरों में भी सोना है। मंदिरों का सोना मंदिरों में रहने दीजिए। मेरे घर में जो सोना है, यहाँ कोई एसी का ऑफिशियल नहीं है ना, मेरे घर में जो सोना है उसका इन्वेस्टमेंट मैं एमएफ में कैसे करूं और क्या सोना खरीदना ही नहीं चाहिए? धन्यवाद। सो पहले तो आप अपनी वाइफ को जरूर पूछ लेना, नहीं तो घर में बवाल हो जाएगा। मैं खुद मतलब मेरी दो बेटियां हैं और मम्मी को कहता था कि स्टॉक्स में निवेश करता हूँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ। माँ ने इतना ही बोला कि तू अपनी बेटी को गहने में शेयर सर्टिफिकेट पहनाएगा, जा जाके बिस्किट लेके आ। तो लाना पड़ा बिकॉज घर चलाना है।
नाउ अगर आपकी 100 रुपए की वेल्थ है उसमें से आप 5% 10% सोने में लगाएं, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका व्यू है कि आने वाले 3-4 सालों में सोने की रिटर्न्स फिक्स्ड इनकम से अच्छी होगी इसलिए मैं सोने में डालना चाहूँगा, तो भी सही बात है। बट जब आप सोने में निवेश करें तो कुछ पैसा गोल्ड बॉन्ड्स में लगा दीजिए, 5-7 साल का लॉक इन है, बट 2.5 से 2.5% ब्याज मिलता है और वो पैसा अंदर का अंदर रहेगा, वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो गोल्ड की जगह पे गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए, और एक्सेसिव अगर इन्वेस्टमेंट है सोने का तो वो बेच के आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इस वक्त सोने में बेचने में एक चीज़ ये भी है कि भारत में 10% इम्पोर्ट ड्यूटी है, तो दुबई में जो सोना 100 रुपये में मिलेगा उसी सोने की कीमत भारत में 110 रुपये हो जाएगी। तो आज नहीं तो कल इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो होगी बिकॉज स्मगलिंग कम करनी पड़ेगी, तब आपको सीधा ही 10% फ़ायदा हो जाएगा बिकॉज आपने सोना ऊपर के दाम में बेचा है। तो लुक एट योर असेट अलोकेशन, कीप वाइफ एंड मदर इन लॉ एंड मदर हैप्पी, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। Compared to demand account in India, compared to quotation, only 3-4% are open demand account and they are trading. And to improve this double digit, as a university's role in 10 universities, institutions and university levels, we need to mandate the awareness about the equity participation and trading. It is mandated, sir. Which one this? So, in our education system, financial education has not been given that much importance. In Gujarati Marwadi family on dinner table, they talk about business. But in many culture, money is frowned upon. You know, even in Gujarati, we have a proverb which says that paisa pachar bhagwanu nahi, don't run after money. Money is not everything in life. Money is not important. Now, I have always preferred American culture, which says that money is not important in life, money is not everything in life, but make sure that you have made enough money before you make such statement. Ek bar paisedar ban jao, baad mein sabko ye gyan do ki paisa zaruri nahi hai. But make money. Now, somewhere our educational institutions will have to grow on imparting financial knowledge. आज एक लेडीज़ को ये मालूम नहीं है कि जब वो रोड साइड ज्वेलर के साथ बिशी चलाती है तो उसमें कितना नुकसान होता है। अगर आप सेबी की ऑफिस में आए इन बीकेसी मुंबई, यू विल फाइंड एब्सोल्यूट रूरल विलेजर्स फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम अ स्कीम कॉल्ड PSEL. इट वॉज अ Venkatesh, you will remember, it was in 2000. I filed PIL against it also. So many things I'm doing. And usme, matlab, the amount of money lost for the real poor people is probably 10, 20, 30,000 crore. We did one analysis of just Google searches, how people have lost money in collective investment scheme. And isme stupidity is available all over India. बम्बई के लोगों ने सिटी लिमोजिन करके कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा खोया, बम्बई के बाहर वाले ने गुडविन ज्वेलर्स में पैसा खोया, नॉर्दर्न इंडिया में PSEL में खोया, सदर्न इंडिया में कुछ और खोया। द अमाउंट ऑफ मनी लॉस्ट इज मोर देन 1 लाख करोड़। दिस आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल हु नीड दैट 1 लाख करोड़, बट बिकॉज देर इज नो एजुकेशन। नाउ एक है कि आपको फैमिली से एजुकेशन मिले। What my father did was investment in bank fixed deposits, real estate and gold. So I continued that. I will pass that to my daughter. But then how will I learn about equities? How will I learn about futures and options? How will I learn about offshore investments? वो तो मुझे स्कूल में कोई पढ़ाएगा तो ही आएगा। So it's a process where educational institutions will have to take a lead in giving financial education to everyone, so that people can have a quote unquote wealthy life. Nilesh ji, just to add,
PACL is not a North Indian phenomenon. In Tamil Nadu alone, my guess is somewhere around 70,000 to 100,000 crores have been lost. I am Dr. Kishore. I am a practicing surgeon. I have one question for both of you. That is that most of the macroeconomics is heavily centralized actually. And that is the reason there is no skin in the game for the people who take decisions. And that is the reason many of the people who have fled the country after taking so much of loans and a lot of NPAs have developed. So there is a new technology called blockchain, and that is going to decentralize the most of the things in the global systems. So can we adopt the same thing here so that decentralization is a solution, and how far can we implement it in India? See, Dr. Saab, yeah, decentralization is a concept. If Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi has run away with money, they are criminals and they should be treated like that. When I say respect for business, it doesn't mean that we have to respect criminals. Aaj apna ulta ho raha hai. We respect criminals and we detest businessmen. We should do the reverse way. Respect businessmen. If you default on your housing loan or on your clinic, I'm sure they will possess it and recover the money. The same thing should be applying to Nirav Modi and Mehul Choksi. Now, blockchain is just a platform through which transaction history will be available. Now, it will help in decentralizing many things. For example, it will decentralize one-day stock exchange. What is stock exchange today? It is allowing buyer and seller to trade. Now, through blockchain, a buyer and seller will be registered and they can trade outside of exchange. But will it go and replace government? Will it go and replace central bank? It's too difficult to say right now. Maybe future will be different. But as of today, I don't think so government is replaceable. I mean, in the medieval days, Tughlaq came out with leather coins. Instead of gold and silver coin, it became Tughlaqi idea. Who knows, 5 years down the line, we will all think that crypto is a Tughlaqi idea. Or maybe crypto will actually go and replace currency. So we have to keep eyes and ears open. But let's not jump into the future like Ecuador. They, you know, made Bitcoin global tender. And now when the prices are correcting, their economy is going for a toss. I am Alka from Central University of Karnataka. I have a question for Nilay sir. So when we talk about public-private partnership or converting government assets into private assets, it is visible that, of course, the prices of those commodities will increase. Like if we privatize education or if we privatize even government institutions, the affordability decreases for the poor people. So it far reduces inclusion of more people into those activities or commodities. How are we looking into that matter? Because our overall agenda is social inclusion through all the assets which we have from government. Since poor people cannot afford privatized things, government has one take on each sector. So if we remove those parts and move into complete privatization, how are we focusing on inclusion of people? So it's a very, very important question, Alka. And there are two ways to look at it. One, in last 70 years, the model of government providing everything to citizens was adopted. But where has that reached us? We kept on increasing poor people. We kept on increasing poverty. It was only after 1991 liberalization that poverty and poor people actually started coming down. So one thing is to say garibi hatao and get the votes. And second thing is to actually follow sound economic policies so that poverty can go up. Now let me give you one example of how India is different from America, and it will clarify this thing. In 1929 Great Depression, you know, American economy collapsed. Now, at that point of time, the second most valuable asset in an individual American's balance sheet was a piano. Like in Venkatesh, you will, in Tamil Brahmin, the girl has to learn Bharatanatyam. It's tradition. Same way in that time America, piano was an important part and kids were supposed to learn piano. So there were thousands plus piano manufacturing industry. Now, piano is very bulky, so there were special trucks which were carrying it. Then there were piano tuition teachers, piano classes, piano repairing institute, piano financing banks.
Now in 1929, American economic collapsed. घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, पियानो क्या बजाएगा? Every single piano was up for sale. What do you think will be the prices of piano? Who will buy it? खाने को पैसे नहीं थे, पियानो लेके क्या करेगा? What happened in America thereafter? Out of 1,000 piano manufacturing units, 3 or 4 survived. All piano tuition teachers had to find a new job. All piano coaching centers shut down. All piano carrying trucks had to be remodified. And all the Americans owning piano suffered a huge loss, 90% value gone. Was there pain for American people? Undoubtedly, yes. How did they survive? They didn't provide any reservation for piano teachers, or they didn't provide any dues to piano coaching institute. They didn't provide concessional loans to piano manufacturing units or piano truck movings. They said, let market take care. Piano teacher became maybe a salesperson or maybe something else, and that's how they prospered. Now fast forward that to Mumbai. Mumbai was considered Manchester of the East. We have so many textile mills. And, you know, textile mills were becoming uncompetitive because labor cost was high, technology was fast upgrading, they were paying higher cost for electricity and water. The ideal solution was to shift those textile mills out of Mumbai to somewhere else. That would have ensured that textile industry would have survived. But we are Indians, so what did we do? We created National Textile Corporation. It nationalized so many textile mills. Those workers in those textile mills did get some money, but there was no growth. That money became useless. The entire city of Bombay came down. Finally, you know, in true two step forward, one step backward, those mill lands were converted into shopping centers, commercial complexes, business complexes. All those unemployed mill workers' sons and daughters started getting a job over there. Lower Parel is now again functional. It's, you know, breathing. It's vibrant. Now, we need to do that. Instead of creating National Textile Corporation, which provides money to few people and keeps everyone else poor, we need to go to the model where Phoenix Shopping Mall, a PVR cinema, a high-end residential complex, a commercial offices comes, where everyone else gets job. And some people had to suffer because their job as textile worker will be lost. So be it. This is the nature. The fittest will survive. If we keep on protecting weak, everyone will become weak. Now, it doesn't mean that we have to kill the weak. For them, we can always provide some subsidy. So in this COVID-19 period where there were people who lost jobs, they were provided free ration. Unless until we make pie big, everyone will remain poor. So we have to follow American piano industry model, not National Textile Corporation model. Dr. Govind Misale, I come from sugar industry. This is my question is to Sri Nilesh Shahji. Nilesh Shahji, now the farm purchase liberalization happened where anybody can purchase farm. Earlier, you should be a farmer. So it was a question. Now, due to liberalization, a lot of farm purchasing going on at the higher rates. So the actual farmer is unable to purchase and do the farming. And the people who are purchasing the farm lands are maximum farm land being idle as an investment. How the economy of Indian economy consider this, or whether you have taken back during the farm loss which has been taken back? Thank you very much. See, today we have the highest ever agriculture production. That means some farmers are producing. Otherwise, we could not have been at all-time high agriculture production. Number two, Food Corporation of India does not have storage space to store food grains. They are being kept in open. That means we have far more food grain than what we need. There is something called minimum reserve of food grains which we have to keep. Today we are running at 3 times more than that. That means there is some farming which is going on. Now what you mentioned also is right. But in the aggregate, the productivity increase in farmers is far more than those people who are keeping it idle. All I am saying is that let the government be referee
so that people play the game as per the rules. And then let the forces prevail. Let the market forces prevail. Now, do you know that Netherlands, where one half of the land is below the sea level, their agriculture export is more than India's agriculture export. What will be the size of Netherlands? One-fourth of Karnataka? And their export is bigger than whole of India. How come that is possible? They don't even have land and yet they are doing agriculture exports. Where have we gone wrong? In sugar industry, we have, you know, huge vested interest. When sugar prices go up in India, you are not allowed to export. They will allow imports. When sugar prices go down, they'll say, now you export so that prices can go up. But who will trust you? Because you cannot export when they need it. So we have killed our own sugar industry by not respecting sugar entrepreneurs. How many sugar companies have delivered return in stock market? That's the classical example of how sugar businesses have done. And on top of it, there were cooperative societies run by politicians. On top of it, there were minimum support prices for ganna, which has no linkage with the market price of sugar. How will people do it? Everyone wanted to show that I have given the minimum support price for ganna. Was interested whether dues were paid to the farmer or not. So we have to let market forces prevail so that we can become bigger exporter than Netherlands in agriculture exports. Fortunately, now we are moving up in right direction. We are, I think, now $25 billion plus in agriculture exports. Netherlands is at $80 billion. If our agriculture export goes to $100 billion, every farmer will benefit. Then there's no need for farm law agitation.